नमस्कार स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों यदि निरोगी काया की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसे ही जीवन का पहला सुख माना है बता दें कि अस्वस्थ काया में कभी जीवन नहीं होता यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आपका जीवन है आज हम जानेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके शिकंजे में फंसा इंसान हर वक्त थकान महसूस करता है उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है जी हाँ हम जानेंगे खून की कमी से होने वाली बीमारी अनिमिया के बारे में बता दें कि जहां महिलाएं कुछ ज्यादा ही इस बीमारी की शिकार होती हैं वहीं बच्चों में आयरन डिफिशियंसी होना खतरनाक है आखिर क्या होती है अनिमिया की बीमारी कैसे बचे हम इस बीमारी से इसके लक्षण क्या है गर्भधारण के दौरान आयरन की गोलियां क्यों लेनी चाहिए ज्यादा रक्त श्राव हो तो क्या करें और यदि पुरुष अनियमित हैं तो क्या करें कहां जाए ऐसी बहुत सी बातें हैं बहरहाल विषय बता दूं, विषय है अनिमिया यानी खून की कमी कारण लक्षण और उपचार यदि आप भी अनिमिक हैं या फिर चिड़चिड़ापन थकान महसूस करते हैं तो बेझिझक पूछे अपना सवाल आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ शून्य और दूसरा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ एक इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगता है यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े विशेषज्ञ हैं आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा मित्तल आप सप्तजंग अस्पताल में प्रसूति एवं महिला विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं और इनके साथ ही डॉक्टर प्रतिमा जी का स्वागत है और दूसरी एक्सपर्ट जो हमारे साथ पर मौजूद हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर रेनू सक्सेना आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, जी रुधिर विज्ञान की और एक स्वस्थ शरीर में हिमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए इन सभी विषयों पर बात करेंगे रेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं अनिमिया से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट पिछले कुछ सालों के दौरान भारत सहित दुनिया भर में एनीमिया पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है बदलती जीवन शैली के साथ आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या के मुख्य कारण माने जा सकते हैं वास्तव में एनीमिया कोई बीमारी नहीं है लेकिन यह कई बीमारियों की वजह जरूर बन सकता है बता दें कि एनीमिया ब्लड से रिलेटेड सबसे आम समस्या है जिसके प्रकार और कारण भी अलग अलग होते हैं पुरुषों की तुलना में महिलाएं एनीमिया की अधिक शिकार होती हैं गौरतलब है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य पोषक तत्वों के साथ आयरन की भी आवश्यकता होती है आयरन ही तो है जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये कोशिकाएं ही शरीर में हेमोग्लोबिन बनाने का, का काम करती है खून की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण का दौरा जरूरत से कम हो जाता है जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती और व्यक्ति एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है भारत में करीब 60 फीसदी लोगों में एनीमिया आसानी से पाया जा सकता है जिनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जहां महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान या पीरियड्स में अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण एनीमिया हो सकता है वहीं आमतौर पर पाइल्स या अल्सर के कारण भी एनीमिया हो सकता है ज्यादा समस्या होने पर खून तक चढ़ाने की जरूरत आ जाती है देखा जाए तो लोहा यानी आयरन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है लेकिन जब यही भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो लाभदायक हो जाता है आप जैसे ही भोजन से लौह तत्व चूसती है वैसे ही खून में मौजूद ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन इसके साथ जुड़ जाता है लोहा खून के साथ शरीर में जहां भी जाता है ट्रांसफेरिन इसके विषैले प्रभाव से शरीर की रक्षा करता है आंतों में खून को अपने साथ लेकर चलता है और लोहे को अस्थि मज्जा में पहुंचा देता है जहां हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है इसे देखिए यह है हमारी अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा में ही हर तरह के रक्त कण बनते हैं एक क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में लगभग 50 लाख लाल रक्त कण होते हैं इन लाल रक्त कणों के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है जिससे स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन रक्त का मुख्य प्रोटीन तत्व है एनीमिया का मुकाबला करने के लिए मांस अंडा मछली किशमिश सूखी खुबानी हरी बीन्स पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे आयरन से परिपूर्ण आहार का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है विशेषज्ञों के अनुसार आयरन युक्त तो डाइट तभी फायदेमंद होती है जब उसके साथ विटामिन सी का सेवन किया जाए विटामिन सी के लिए अमरूद आंवला और संतरे का जूस लेना चाहिए गौरतलब है कि भोजन में यदि लगातार लौह तत्वों की कमी बनी रहे तो व्यक्ति में खून की कमी या एनीमिया की बीमारी हो जाती है बता दें कि एक अकेली एनीमिया कई बीमारियों की जड़ है इसलिए जरूरत है सावधानी और सतर्कता की और इस बात पर ध्यान देने की कि आपके शरीर में कभी खून की कमी ना होने पाए राजेश मिश्र दूरदर्शन किसान जी हाँ तो देखा आपने सावधानी और सतर्कता ही सही मायने में स्वस्थता है चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अनिमिया के बारे में इसके कारण उपचार लक्षणों के बारे में तो हम जरूर जानेंगे डॉक्टर प्रतिमा लेकिन सबसे पहले हमें समझाए अनिमिया बीमारी ये है क्या अभी जैसे कि आपको दिखाया गया अंजिया में क्या है कि जो हमारे शरीर में रक्त जो बह रहा है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने की और इसका कारण होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी ही। हीमोग्लोबिन जो है वो डिपेंडेंट होता है हमारे आयरन के इनटेक पे अगर आयरन कम होगा तो कम हीमोग्लोबिन होगा और जो हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं हैं लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो शरीर के सब ऑर्गन्स को सब अंगों को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगी और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अंगों को तो जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी जी बिल्कुल डॉक्टर रेदू आप भी हमें समझाए जो खून की कमी है उसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है ये जो हमारे शरीर को लौह तत्व की आवश्यकता है वो कितनी आवश्यकता है इसके बारे में हमें बताएँ क्यों ज़रूरी है ये हाँ। हमारे खून के लिए हीमोग्लोबिन जैसे कि अभी बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें जो न्यूट्रिशन की हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं एक तो है तत्व आयरन जिसको बोलते हैं और दूसरा विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड भी ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अब आयरन की कमी सबसे ज्यादा कॉमन होती है हम लोगों के इंडिया में ज़्यादा और इसके लिए हमको सतर्क रहना होता है कि जो अनिमिया है सारा अनिमिया जो है वो हमेशा आयरन की कमी से नहीं होता और भी वजहों से हो जाता है पर आयरन की कमी सबसे इंपॉर्टेंट है तो आयरन का नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं वो अब्जॉर्ब होता है जैसे कि अभी अच्छे से दिखाया और फिर वो जाके बोन मैरो में फिर वो हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन जब आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसकी वजह से सारे उसके सिम्टम्स आ जाते हैं और हमको इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आयरन का लेवल हमारे में ठीक रहे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है आमतौर पे महिलाओं में अगर नॉन प्रेग्नेंट हैं तो 12 तक हम ले लेते हैं नॉर्मल और आदमियों में तेरह ग्राम पर डे तक नॉर्मल लेते हैं प्रेग्नेंट वेमेन में थोड़ा कम हीमोग्लोबिन हो जाता है और उसमें हम 11.5 कभी कभी 11 भी ले लेते हैं नॉर्मल तक हुँ। इससे अगर कम हीमोग्लोबिन होता है तो जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आयरन का कमी की वजह से तो नहीं है जी जी डॉक्टर प्रतिमा हमें बताए की हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है ये कैसे हम देखिए इसके बहुत से लक्षण होते हैं जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि थकावट बहुत महसूस होती है शिथिलता रखती है शरीर में चिड़चिड़ापन हो जाता है और जब आपका जो शरीर का रंग है पीलापन आ जाता है चेहरे पे पीलापन आ जाता है और जब बहुत ज्यादा अगर अनीमिया हो जाए सीवियर अनीमिया जिसको हम कहते हैं तो उसमें शरीर में सूजन भी आ जाती है पैरों पे सूजन आ जाती है जो जो आ, आपकी त्वचा है वो पीली पड़ जाती है और, और आखिर में ऐसा भी होता है वो आपके शरीर को ऑक्सीजन पूरी तरह दे ही नहीं पा रहा है तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है ये बहुत ज्यादा अगर सीवियर एनीमिया होता है तो उन केसेस में हमने देखा है पर जो अगर कम अनीमिया जैसे मॉडर्न नीमिया या माइल्ड अनिमिया में हमने देखा है कि शिथिलता होना थकावट होना चिड़चिड़ापन होना पीलापन होना और थोड़ा सा काम करने पे भी एकदम से थक जाना और कुछ कुछ महिलाओं में हमने देखा है कि इधर उधर की चीजें खाने का भी उनका मन करने लगता है तो जैसे जिसको हम अच्छा। पाइका कहते हैं कि कभी मिट्टी भी खाने लगते हैं कुछ ऐसे अच्छा। अच्छे तो ये भी चीजें हमने देखी है कि अनीमिया में होता है तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है अगर हुँ, हुँ। इस तरह से मिट्टी या कुछ ऐसी चीजें खाने का मन होने लगे तो ये भी लक्षण है इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि अनिमिया हो और तुरंत खून की जांच करानी चाहिए चलिए बातचीत हमारी जारी रहेगी लेकिन इस बीच हमारे कार्यक्रम में पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं हमारे साथ श्यामा जी जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश से श्यामा जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में पूछे क्या पूछना चाहती हैं आप जी मैम हमको अभी डिलीवरी हुआ है छह हफ्ते हुए होंगे तो हमें किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए खान पान में हमें क्या क्या खाना चाहिए ये सब जानकारी आप दीजिए देखिए अब आपकी डिलीवरी अभी छह हफ्ते पहले ही हुई है तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को दूध भी पिलाई रही होंगी तो दो चीजों का हम बहुत ध्यान रखने के लिए कहते हैं एक तो आयरन की गोली आपको लेनी है क्योंकि जो आपने प्रेगनेंसी में रक्त स्त्राव हुआ है खून गया है उन सब से उभरना है तो आयरन आपको लेना ही लेना है हम छः हफ्ते तक कहते हैं कि आयरन हर महिला को लेना चाहिए डिलीवरी के बाद और उसके अलावा बच्चे को दूध दे रहे हैं तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है तो, जरूरी है। तो जो कैल्शियम की मात्रा जो है हम लोग कहते हैं कि कम से कम आपको दो से तीन ग्लास दूध मिनिमम लेना चाहिए दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और इसके अलावा आपको ये चाहिए कि आप जो है बच्चे को दूध पिलाने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि प्रोटीन भी उपयुक्त मात्रा में लें तो प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन जो है वो दूध की क्वालिटी जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करती है तो प्रोटीन्स के लिए हम यही कहेंगे कि दालें अंकुरित सब्जियां और अंकुरित दालें और दालें और आप दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ये आप ज़्यादा मात्रा में लें जी बिल्कुल तो श्यामा जी इन बातों का ध्यान जरूर रखे खाने पीने के बारे में आपको बहुत इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है और सुझाव आपको यहाँ कार्यक्रम के दौरान आपको मिल ही गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी बात करते हैं सोहन गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से सोहन जी स्वागत है आपका पूछे अपना सवाल नमस्ते मैडम जी नमस्कार तो मैडम मैं पूछ रहा हूँ मेरे खून की कमी उसे बढ़ाने के लिए क्या उपचार करू जी ठीक है अच्छा सवाल पूछा है आपने आ, महिलाओं में तो ये समस्या होती है पुरुषों में भी आ, ये समस्या होती है अनुमिक होने की क्या करें आ, बताएं सो so, डॉक्टर पुरुषों में भी ऐसे आ, होती है ये वाली बीमारी और बहुत तरह के कॉजेज होते हैं पुरुषों में भी जी. तो सबसे पहले तो उम्र पता होनी चाहिए अगर यंग उम्र है और खेतों में काफी जाते हैं नंगे पैर जाते हैं तो एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं वो पैर के थ्रू घुसते हैं और बॉडी में पेट में कीड़े हो जाते हैं पेट में कीड़े की वजह से आयरन लॉस हो जाता है उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो पुरुषों में भी पेट में कीड़े का दर्द दर्द पेट होता है अक्सर पेट दर्द होता है तो पेट दर्द के साथ साथ जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम सबसे पहले कीड़े की दवा देते हैं टेस्ट करते हैं कि कीड़े हैं कि नहीं कीड़े की दवा दे फिर आयरन देते हैं और एक और जो कॉज होता है वो है आजकल की दुनिया में बहुत स्ट्रेस है स्ट्रेस से पेप्टिक अल्सर हो जाता है अल्सर होने की वजह से धीरे धीरे खून जाता रहता है और उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है पुरुषों में कभी कभी पाइल्स की बीमारी हो जाती है पुरुषों में उसकी वजह से भी हो जाता है और ओल्ड एज में जब आ, काफी उम्र हो जाती है और आयरन की आ, कमी होती है तो हम एक चीज जो बहुत खतरनाक बीमारी को एक्सक्लूड uh, मतलब uh, करना चाहते हैं वो है कभी कभी कैंसर कभी कभी पेट के कैंसर में थोड़ा थोड़ा सा खून जाता रहता है इंटेस्टीस में जाता रहता है उसकी वजह से आयरन की बीमारी हो जाती है तो आयरन की डेफिशिएंसी इन सब रीजन से हो जाती है पुरुषों में भी न्यूट्रिशन का ख्याल उनको भी रखना पड़ता है लेकिन इतना नहीं जितना कि महिलाओं में रखना पड़ता है जी, जी तो इसलिए ये नहीं सोचें कि हम पुरुष हैं तो आयरन की बीमारी हो नहीं सकती आयरन की कमी उसमें भी हो सकती जी है। और अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त हरजीत जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से आइए उनसे भी बात कर लेते हैं हरजीत जी स्वागत है आपका पूछे अपना सवाल हाँ जी मैं मेरा नाम हरजीत सिंह है मेरी पचास साल की आयु है जी मेरा गर्मियों में होमोगोलम बहुत कम हो जाता है पांच तक आ जाता है फिर मुझे आयरन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं एर, एरन में खाता रहता हूं वैसे मगर ये हर गर्मियों में मुझे बहुत जी। इसका कोई कोई हमने भी तो गर्मियों में हर साल हो जाता है डॉक्टर कुछ सवाल हाँ। पूछना चाहेंगे न, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके साथ में कोई और सिम्टम होता है आपके साथ कुछ और लक्षण भी है थकान होना या चिड़चिड़ापन होना कुछ ऐसा लगता है हमारा संपर्क जी 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 पीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे अपना साथ चढ़ता है और कई बार तो मुझे चक्कर आने लग जाते इतनी कमजोरी हो जाती है अच्छा, तो ऐसा है गर्मियों में आपने कभी हीमोग्लोबिन चेक कराया है हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं हम दो तीन महीने में मैं कराता रहता हूँ सर्दियों में मेरा आठ नौ तक आ जाता है हाँ। और गर्मियों में पाँच छह तक भी आ जाता है कम हो जाता है और लगातार मैं इंजेक्शन लगाता हूँ फिर पेट खराब हो गया लूज हाँ। मोशन हो गया इसकी वजह से कोई कारण नहीं मिला क्या हाँ। टेस्ट कराते ठीक है जी तो वैसे आयरन डेफिशिएंसी का कोई गर्मी और सर्दी से ताल्लुक नहीं है लेकिन अगर ये हर बार होता है तो होता हो सकता है कुछ आपका ऐसा में हो की एक, हो सकता हाँ है? ऐसा हो सकता है खान की बदलाव में हो ऐसा हो सकता है कि चांस की बात आपने बोला लूज मोशन भी होते हैं पेट दर्द भी होता है हो सकता है उस समय आप वर्म का जरूर टेस्ट करा लीजिए स्टूल का टेस्ट करा लीजिए सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज यही होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है लेकिन एज सच इसका गर्मी और सर्दी के साथ कोई ताल्लुक होता पेट नहीं पेट में कीड़े हो सकते हैं हाँ। ठीक है उसकी वजह क्या होती है पेट में कीड़े एक जो सबसे कॉमन चीज है वो तो यही है कि फार्मर्स होते हैं किसान होते हैं नंगे पैर खेत में चलते हैं वहाँ पे उनके उनके पैर में से घुस के बॉडी में आ जाते हैं नुँ। नुँ। और एक और कॉज होता है कि अगर खाने पीने में भी चले जाए कभी कभी नुँ। नुँ। उससे भी हो जाते हैं तो पेट के कीड़े भी बहुत तरह के होते हैं सब कीड़े आयरन डेफिशिएंसी नहीं करते कुछ कीड़ों की वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है कुछ कीड़ों से आयरन होती है तो आप ये जरूर चेक कर गर्मियों में अगर आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो गर्मियों का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वहां पे बहुत सारे कीड़े पनक, पनप जाते हैं खाने में तो आपको बाहर अगर ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी ज्यादा पेट में इंफेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आयरन की भी कमी हो सकती है मगर ये भी चेक कर लें कि आयरन के अलावा आपकी डायरिया में फोलिक एसिड की कमी भी बहुत हो सकती है ठीक है तो कॉज पता करिए बिल्कुल डॉक्टर प्र, प्रतिमा आप हमें यहाँ पर यह भी बताएं कि महिलाओं में खासतौर पर ये बीमारी अक्सर देखने को मिलती है जो गांव की महिलाएं हैं उनमें खासतौर पर यह समस्याएं काफी ज्यादा पाई जाती है वजह क्या है क्या खान की तरफ ध्यान न देना एक बहुत बड़ी वजह है या कुछ और भी है देखिए इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले तो अगर आप किशोरावस्था में ही देखें तो हमारे परिवारों में क्या चलता है कि लड़के को सबसे ज्यादा खाना देते हैं लड़कियां कहीं बाद में खाएंगी तो उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो एक कारण है कि उसमें उनको खाने के में लोहे लोह तत्व की कमी होती है दूसरा जब प्रेगनेंसी वाली एज में आ जाती है तो जल्दी जल्दी बार बार फटाफट प्रेगनेंसी हो गई एक साल के अंदर दूसरा बच्चा ठहर गया तो इनसे जो है जो उनका आयरन अभी उनका जो कमी हुई है प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी में वो प्रेग्नेसी से ठीक ही नहीं हुआ और फिर दूसरी प्रेगनेंसी ठहर जाती तो जल्दी जल्दी कम अंतर पे प्रेगनेंसी ठहरना ये भी एक कारण है और तीसरा यह कि अगर महावारी के दिनों में अधिक खून जा रहा है तो वो भी कारण होता है कि उसकी वजह से वो एनीमिया हो जाता है और जैसा कि पुरुषों में बताया कि के जो कीड़े पेट के कीड़े हैं वो जी, हमने जी, देखा है कि महिलाओं में भी ये देखा गया है कि कीड़े जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से कि लोहा जो है जो हम खाते हैं लोहा वो कई बार एब्जॉर्ब नहीं होता हो पाता ठीक से और या वो कीड़े उनको यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें हम महिलाओं में भी कहते हैं लड़कियों में महिलाओं में भी कहते हैं कि हर छः महीने में जहाँ जो एरिया जहाँ पे कीड़ों की ज्यादा संख्या होती है उन एरिया में उनको हर छः महीने में कीड़ों की दवाई लेनी चाहिए जी जी डॉक्टर रेनू हमें ये बताएं कि जो अनिमिया की समस्या है बहुत ही सामान्य समस्या हम इसे मानते हैं और आपने बताया कि इसकी कई तरह के कारण होते हैं सिर्फ़ लौह तत्व की कमी ही नहीं होती है तो ये कई प्रकार के भी होते होंगे हमें बताएं इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं हाँ तो जैसे कि अभी आपने कहा कि अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं एक तो सबसे कॉमन कॉज हो जाता है न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन में हम आयरन की बात करते हैं फोलिक एसिड बी ट्वेल्व वाइटामिन की बात करते हैं इसके अलावा भी और कॉजेज होते हैं वो इतने कॉमन नहीं होते लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं तो हमको उनके लिए जागरूक रहना चाहिए एक हमारे यहाँ पे पंजाब में एक थैलेसीमिया की बीमारी काफ़ी होती है, है। और उसमें ध्यान रखना चाहिए कि थैलेसीमिया की वजह से तो नहीं है कहीं अनिमिया उसके भी बच्चे जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसके बच्चों को भी अनी होता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका खून कम होता चला जाता है तो उनका जरूर एक टेस्ट करा लेना चाहिए और अगर लिवर और तिल्ली बड़ी होती है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए साथ साथ उनके जो माता पिता होते हैं उनमें वो आधा कर्ण होता है थैलेसीमिया का उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अनिमिया नहीं होता लेकिन फिर भी उनको एक किस्म का अनिमिया रहता है तो ये भी टेस्ट करा के पता रख लेना चाहिए और भी गंभीर का कारण भी होते हैं कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि अगर बहुत सीवियर अनिमिया है एकदम जल्दी से डेवलप हो गया एक महीने तक बच्चा बिल्कुल ठीक था या कोई भी जना बिल्कुल ठीक था और उसको एक ही महीने में बहुत सीवियर अनिमिया हो गया तो जरूर हमको टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ये ब्लड कैंसर तो नहीं है सो so गंभीर से गंभीर कारण भी होते हैं और बहुत माइल्ड से माइल्ड कारण भी होते हैं सबसे इसमें जो आ, कारण होता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट का कारण होता है न्यूट्रिशन का जी जी बिल्कुल यानी कि बहुत ही सामान्य सी बीमारी मानकर इसे नजरअंदाज न करें ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर में जो आए दिन बदलाव हो रहे हैं उन लक्षणों पर गौर जरूर करें तभी आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं बहरहाल इस तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी आप भी जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है। एक छोटे से ब्रेक का हम जल्द हाजिर होते हैं बने रहे हैं हमारे साथ हर, हर तकनीक पर पकड़ खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर और शाम सात बजे कहा चलेगी शीतलहर कहा पड़ेगी बर्फ किधर कर जाएंगे बादल कहा खिलेगी धूप किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे और साढ़े दस बजे डीडी किसान पर के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और स्वस्थ किसान में आज हम चर्चा कर रहे हैं अनिमिया बीमारी के बारे में क्या कुछ इसके लक्षण हैं क्या कारण हैं और उपचार क्या कुछ है और किस तरह से खानपान में सावधानी बरतनी चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी गुजारिश होगी कि इस बीच अपने सवालों के साथ हमारे साथ जरूर जुड़े टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर प्रतिमा हम बातचीत कर रहे थे जिसमें बात आ रही थी कि जो प्रेग्नेंसी के दौरान भी जो महिलाओं को लॉस तत्व की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है।, है लेकिन हम गांव में और इस तरह से बातें भी सुनते हैं कि कई महिलाएं झिझकती है लेने के लिए लौह तत्व उन्हें ये लगता है 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 कि शायद बच्चा काला ना हो जाए तो क्या ये सच सच्चाई बिल्कुल सही नहीं।, नहीं, है। नहीं और हमको ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी में अनीमिया जो है वो बहुत सी खतरनाक अवस्था को रोक सकते हैं अगर हम उसको ट्रीट कर लें और जो बच्चे का रंग है बच्चे की शरीर त्वचा का रंग है वो माँ बाप के रंग पे डिपेंड करता है वो अनुवांशिक होता है उसका गोली खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो अगर आप अनीमिया है आपको तो हमने देखा कि प्रेगनेंसी में बच्चा भी बहुत कमजोर होता है उसके अच्छा। अलावा बच्चा बच्चा जो है ना जल्दी हो जाता है बहुत से केसेस में प्री टर्म बर्थ हम जिसको कहते हैं समय से पहले बच्चा हो जाता है और बच्चे की जो बच्चे में जो आयरन के स्टोर्स है बच्चा अनियमिक तो जब पैदा होगा तो नहीं होगा शायद परंतु उसके खुद के आयरन के स्टोर्स बहुत कम होते हैं और माँ के अंदर इतनी आयरन की कमी होने की वजह से अगर प्रसव के समय उसको थोड़ा सा भी खून जाता है तो वो उसके लिए जानलेवा हो जाता है हमारे देश में देखा गया है कि सौ में से जो अस्सी प्रतिशत महिला मृत्यु जो होती है जो प्रसव के दौरान मृत्यु होती है उसमें एनीमिया एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि प्रेगनेंसी में हम चाहे कितना भी खाने में अपना ध्यान रख लें पर अनी हमें आयरन की मात्रा ज्यादा चाहिए ही चाहिए बच्चे को आयरन चाहिए शरीर में खून बढ़ रहा है उसको आयरन चाहिए प्लेसेंटा में भी आयरन मतलब जाता है तो सब चीजों के लिए हमें आयरन चाहिए होता है तो चाहे आप कितना भी ले लें खाना पर आयरन एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर रोज एक गोली कम से कम अगर आपको एनीमिया नहीं है तो नहीं। भी आपको एक गोली आयरन की हर रोज लेनी ही चाहिए और उसके अलावा ये देखना है कि इन्फेक्शन है तो बहुत जल्दी हमने देखा प्रेगनेंसी में हो जाते हैं प्रेगनेंसी नॉर्मल में भी आप देखिए क्योंकि आपकी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो गई है तो आपको इन्फेक्शन जो है एनीमिया में बहुत जल्दी हो जाते हैं जी चलिए आगे भी चर्चा हमारी जारी रहेगी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं धनंजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी पूछिए अपना सवाल जी हमको बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाता है ठीक है और पूरे शरीर में दर्द सा होना शुरू हो जाता है जी धनंजय तो जी आपकी उम्र क्या होगी उम्र लगभग तीस वर्ष अच्छा ठीक है आइए पूछते हैं तो जैसा रुण? कि अभी हमने बतलाया तीस वर्ष में अगर आपको थकान महसूस हो जाती है आप सबसे पहले तो चेक करिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आप फिर चेक करिए कि वो किसकी वजह से है आयरन की कमी से है कि फोलिक एसिड की कमी से क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि उनको आयरन की कमी है जबकि होती फोलिक एसिड की कमी है वो आयरन खाते रहते हैं लेकिन उनका अनीमिया ठीक नहीं होता तो ये एक बहुत सिंपल टेस्ट से आपको पता लग जाएगा ब्लड टेस्ट में आपको पता लग जाएगा अगर आयरन की कमी है तो फिर जैसे कि मैंने अभी बताया सबसे पहले तो स्टूल टेस्ट करा के एक पेट के कीड़े की दवा तो खा ही लें और आयरन शुरू कर दिया जाए और अगर ये नहीं निकलते तो फिर आप बाकी जांच करें जिसको हम बोलते हैं स्टूल में ओकल्ट ब्लड छुपा हुआ खून होता है उसका भी टेस्ट हो जाता है बहुत सिंपल टेस्ट होता है ये आप करवा लीजिए उससे पता लग जाएगा कि आपके स्टूल में लॉस हो रहा है आयरन का कि नहीं फिर हम बाकी बीमारियों की तरफ इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं जी तो धनंजय जी मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव आपको मिले हैं उन सुझाव से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान देंगे चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रतिमा आप हमें बताएं कि अगर अनिमिया है किसी को और जिस तरह से पोलिक एसिड और आयरन की कमी ख़ासतौर पर इसकी मुख्य वजह होती है इन कमी को क्या जो टैबलेट्स जो गोलियाँ आती है उन्हीं के जरिए दूर किया जा सकता है या फिर खान पान में किस तरह की चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं इनकी कमी को रोकने के लिए जैसे कि हमने बताया खान की चीजों में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां दालें नट्स किशमिश खुबानी जैसे बात करी गई अभी दिखाया गया था तो ये बहुत जरूरी है और अगर आप मांसाहारी हैं तो जो मांसाहारी में लिवर और वो सब चीजें जो खाते हैं उनसे रेड मीट इनसे आयरन की कमी दूरी हो सकती है परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गोली ले रहे हैं आयरन की तो वो आप कैसे लें और आयरन की गोली ये आयरन की जो एब्जॉर्बशन है वो हमने देखा कि फाइटेट्स जैसे चाय कॉफी अधिक मात्रा में लेने से भी अब्सॉर्प्शन कम होता है और चूर्ण हमारे देश में ना बहुत लोग कहते हैं चूर्ण खाते हैं की आदत पड़ती है चूर्ण जो है उसमें भी एक ऐसा तत्व होते हैं कि जो फ्लोरोसिस हम कहते हैं बढ़ा देते हैं जिससे कि आयरन अब्सॉर्प्शन नहीं होता तो आप चाहे कितना भी आयरन ले लें वो अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा तो वो भी एक कारण है तो और दूसरे की कैसक आयरन की गोली आप आप ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं है ना तो उसमें हमें हम ये कहते हैं सबसे ज्यादा काम जो आयरन की गोली करती है खाली पेट करती है परंतु खाली पेट लेने से तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है नोजिया होने लगेगा वॉमिटिंग होने लगेगी अच्छा। तो उसके लिए ये है कि अगर आप खाना खाने के कम से कम दो घंटे बाद लें और खास तौर से विटामिन सी के साथ जैसे संतरे के जूस के साथ या नींबू पानी के साथ इनके साथ अगर आयरन की गोली लें तो आयरन का एब्जॉर्बन ज्यादा अच्छा होता है जी चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अवधेश जी उनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी पूछिए अपना सवाल हेलो अवधेश जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको जी 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 मैडम जी पूछिए अपना सवाल हां हा, मैडम मेरी मैडम मैडम के मतलब फ्रेंड्स बेबी 6 मंथ से है वो अच्छा हां और वो कितना अब बंद रहती है जी अबीप जी बातचीत में रुकावट आएगी अगर आप टीवी का जो वॉल्यूम है उसे आप रखेंगे टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें सिर्फ ऑनलाइन के जरिए बात करें जी बताइए मेरी मैडम के सिक्स मंथ है और बेबी में है तो जितना भी खवाता हूँ फिर भी खून की कमी रहती है अच्छा ठीक है आप जानना चाहते हैं कि क्या ताजा सब्जी खिलाता हूँ फिर भी कमी रहती है चीज़ी, चीज़ी, चीज़ी। गोली खिला रहे हैं कि नहीं पहली बात और अगर गोली नहीं, नहीं।, 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 नहीं आयरन की गोली भी चल रही है मैडम हाँ। तो अगर उनका खून इसकी वजह इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है कोई पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और दूसरी चीज ये देखनी है कि अगर इन गोलियों से उनका असर नहीं हो रहा है तो हम इन केसेस में हमें इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं जी बिल्कुल तो अवधेश जी इन बातों का जरूर ध्यान रखें रेनू जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आ, बच्चों के बारे में भी जिक्र हो रहा था आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया था आ, क्या है थैलेसीमिया और किस तरह से वो अनिमिया का कारक हो सकता है और क्या करना चाहिए थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि पेरेंट से आती है आधे आधा कण पेरेंट में होता है तो बच्चे में जब आ जाता है तो उसमें खून बनना बंद हो जाता है उसमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता नहीं है और उसकी वजह से धीरे धीरे हीमोग्लोबिन जो है टूटता चला जाता है तो इसकी वजह से इनको अनिमिया हो जाता है तो बस ध्यान ये रखना चाहिए क्योंकि बार बार इनको ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन की वजह से लोहा बढ़ जाता है अभी तक हम लोहे के कमी की बात कर रहे थे लेकिन लोहा बढ़ भी जाता है कुछ बीमारियों में और वो भी एक कारण होता है बीमारी का ज्यादा लोहा होने से भी उनके हार्ट पे असर पड़ सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इसलिए ये जल्दी से जल्दी दिखा ज़रूर देना चाहिए डॉक्टर को अनीमिया ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी अनीमिया है वो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी है जी जी इसलिए ज़रूर दिखा देना चाहिए उसको भी और साथ ही एक सवाल आया कि इंडोस्कोपी की क्या भूमिका है मैं चाहूँगी कि इस पर भी आप थोड़ी रोशनी हाँ, डालें तो ये जैसा कि मैंने बताया एंडोस्कोपी आ, करेंगे अगर हमने वर्म्स को एक्सक्लूड कर दिया वर्म्स का कॉज uh, खत्म कर दिया आयरन डेफिशिएंसी का फिर सोचते हैं कि पेट में से खून जा रहा है स्पेशली आपका ब्लड अगर पॉजिटिव आ रहा है स्टूल में तो ये देखने के लिए कि पेट में कुछ अल्सर है कि कोई और कारण है कभी कभी कैंसर भी हो जाता है ये एंडोस्कोपी से एक छोटा सा कैमरा पेट में डाल के देख लेते हैं कि क्या वजह है कि खून जा रहा है तो उससे हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मिलती है ये बड़ों में करते हैं बच्चों में और भी कॉजेज होते हैं छोटा बच्चा जो होता है नवजात के बाद उसको माँ का दूध वो पिलाते हैं लेकिन क्या होता है कि लोग सोचते हैं माँ के दूध में सारे तत्व है जबकि नॉर्मली छह महीने के बाद उसको ऊपर का खाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए क्योंकि माँ के दूध में आयरन की कमी रहती है थोड़ी तो अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा बच्चा तो उसको बाय जब तक कि वो दस महीने तक का हो जाएगा उसको अनीमिया आयरन डेफिशेंसी का हो सकता है इसलिए धीरे धीरे उसको ऊपर का खाना खिलाना बहुत जरूरी है जिससे कि उसमें आयरन भी पहुंचे जी चलिए इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं उनसे हम सवाल ले लेते हैं गायत्री जी हमारे साथ तेलंगाना से जुड़ रही है गायत्री जी स्वागत है आपका पूछिए अपना सवाल हेलो हेलो जी गायत्री जी पूछिए अपना सवाल नम, नमस्कार मैडम जी नमस्कार गायत्री जी टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए बातचीत में इससे रुकावट आएगी फोन लाइन के जरिए सीधे हमसे बात करें पूछिए जी ओके मैम जी, अपना जी, मेरे को ये अनीमिया हो जाता है और मेडिसिन खाती हूँ तो थोड़ा बढ़ता है मेडिसिन बंद करने से फिर से आ जा, ऐसे हो जाता है जी, मेरे नाखून नीचे की तरफ दब जाते हैं जब मेरे ये प्रॉब्लम होती है तो जी, फिर ना कई बार घूमने का मन करता है किसी से बातें करने का मन नहीं करता है और अभी तो ऐसा नहीं हो रहा पिछले बार तो मेरा मिट्टी वगैरह खाने का बहुत मन करता था तो, फिर तो ऐसे होता है। जी। के मेरी, खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं पत्तेदार सब्जियां लेती हैं आप जी बहुत ध्यान रखती हूँ मैं हुँ। आपकी उम्र क्या होगी गायत्री जी जी मेरी उम्र फिफ्टी फोर है जी जी आइए पूछ लेते हैं हमारे यहाँ पर मौजूद विशेषज्ञ से जी बताएँ जैसा है कि आपको कैसे महावारी कैसे आती है क्योंकि सबसे ज्यादा कारण जो है अधिक महावारी में अधिक रक्त स्त्राव एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जी, तो जी। कितने दिन महावारी रहती है और अगर बहुत ज्यादा आती है तो हमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी पड़ेगी कि क्या कारण है इतनी कम उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी तो इतनी माहवारी इतना अनिमिया नहीं होना चाहिए अगर ये खान का पूरा ध्यान रखती हैं और इसकी वजह से और दूसरी चीज़ इनको होता है। जब की वो भी एक कारण होता है कम हीमोग्लोबिन होने का अनिमिया होने का जी डॉक्टर प्रतिमा अगर अधिक रक्तस्राव हो रहा है और युवतियों में भी हो सकता है जो किशोरिया है उनमें हुँ. भी हो सकता है ऐसे में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो ये देखना है कि रियली में ये अधिक रक्त स्त्राव क्या है कितने दिन हम जैसे कहते हैं कि दो से तीन पैड पर डे आपको अगर इस्तेमाल करती हैं जो कि मतलब पूरी तरह से सोख नहीं हो और अगर पांच से छह दिन से ज्यादा अगर रक्तस्राव रहता है तो वो जो है उसको हम ज्यादा बोलते हैं इसके अलावा ये है कि अगर आपको पहले दो दिन रह रहा है और सडनली अब आपको चार पांच दिन रहने लगा मतलब बदलाव नॉर्मल में जैसे था उसमें कुछ बदलाव आ गया है तो उसको हम कहेंगे कि अधिक रक्तस्राव है फिर हमें देखना कि इसका क्या कारण है अनिमिया कारण भी हो सकता है और उसका इफेक्ट भी हो सकता है कि अधिक रक्त स्त्राव की वजह से एनीमिया होता है और एनीमिया की वजह से अधिक रक्त स्त्राव होता है तो ये एक सर्कल की तरह से होता है तो हमें ये देखना है कि क्या कोई कारण है कि नहीं है अगर कोई कारण है है ना मान लीजिए कोई छोटी मोटी रसोलियां हैं जैसे फाइब्रॉइड जिसको हम कहते हैं या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो हमें देखना पड़ेगा और या कोई कभी कभी अगर किशोरावस्था में देखा जाए तो हमने देखा है लड़कियों में खून के ना जमने की बीमारी कोएगुलेशन

मैम मेरा मेरी उम्र 23 साल है ठीक है और मेरा वेट लो मेरा वेट लॉस हो रहा है अच्छा ओ... अभी मेरा वेट है 45 45 केजी है ठीक है और मेरा शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला है मैंने थोड़े दिन पहले ब्लड की जांच भी करवाई थी तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थी 24 ग्राम और आरबीसी लेवल था 98% ठीक है मैम मेरे

सालों में कम हुआ महीनों में कम हुआ दिनों में कम हुआ कैसे कम हुआ माया संपर्क टूट गया है अच्छा तो इसमें दो तीन चीज ध्यान रखने की है अगर तो वेट लॉस कई सालों में हुआ है कम तब आ, हमको देखना है कोई क्रॉनिक चीज तो नहीं है क्योंकि फिर हम इतना ज्यादा उस पर खाने, खाने पीने का ध्यान रखना है लेकिन अगर ये थोड़े टाइम में वेट लॉस हुआ है तब हमको जरूर देखना है कि ये एकदम से क्यों हुआ आपके पेट में दर्द तो नहीं रहता आपके स्टूल टेस्ट नॉर्मल है क्योंकि क्या होता है पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से भी पेट में वो वजन गेन नहीं होता क्योंकि सारा खाना पीना पेट के कीड़े ले जाते हैं तो इसलिए एक ये आपको जरूर एक देखना पड़ेगा और दूसरा देखना पड़ेगा कि और कोई बीमारी तो नहीं है आपको बुखार तो नहीं रहता आपको लूज मोशंस तो नहीं रहते अगर लूज मोशंस रहते हैं किसी भी वजह से तो उसमें भी फोलिक एसिड की कमी कंटिन्यूअल रहती है वेट लॉस वैसे वैसे भी उसमें वेट गेन नहीं होता तो देखना पड़ेगा आप एक अपने पास के विशेषज्ञ को दिखाइए और कॉज पता करिए क्या कॉज है जी डॉक्टर प्रतिमा क्या आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि हमारे देश में बहुत कॉमन है अच्छा। और ये जो ऐसा होता है कि वेट लॉस जो होना होता है हो रहा है इनका तो हमें टूबरकुलसिस रूल आउट करनी चाहिए जी 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 डॉक्टर रेनो हमें ये बताए कि ये अनिमिया जो बीमारी है ये अपने आप में एक बीमारी है या फिर ये कई और बीमारियों का संकेत भी एक तरह से हो सकता है सिर्फ एक बीमारी नहीं है ये एक संकेत ज्यादा है तो अगर हो गया और सिर्फ हमने अनिमिया को कोशिश की अनिमिया का बहुत सारे लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ट्रांसफ्यूशन दे दो पर वो ट्रीटमेंट नहीं है नहीं। हमको पता करना है अनिमिया का कॉज क्या है बहुत सारी बीमारियों की वजह से अनिमिया हो जाता है क्रॉनिक डायबिटीज चल रही है क्रॉनिक हाइपर चल रहा है क्रॉनिक जोड़ों की बीमारी चल रही है अच्छा। उनमें भी एनीमिया हो जाता है उनमें भी आप आयरन देखेंगे तो ब्लड में कम मिलेगा मगर अंदर ज्यादा होगा तो ये एक और तरह का एनीमिया होता है इसको बोलते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज अच्छा। ये हो सकता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई इसमें भी क्रॉनिक डिजीज का अनिमिया हो जाता है अनिमिया और भी बीमारियों में कैंसर में हो जाता है अनिमिया कई तरह के कैंसर होते हैं पेट के कैंसर हो गए गायनी के कैंसर हो गए कई तरह जी, के, जी, के कैंसर में जिसमें ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से हो जाता है एनीमिया न्यूट्रिशन की वजह से भी हो जाता है न्यूट्रिशन की कमी है तो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है कई पैदाइशी बीमारियां होती हैं जैसे कि अभी थैलेसीमिया की बात की एक होता है ए प्लास्टिक अनीमिया जिसमें कि मैरो हमारा सेल्स ही नहीं प्रोड्यूस करता तो उसमें हीमोग्लोबिन के साथ प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है जो कण हमारे खून रोकते हैं, तो है। तो है, तो हैं तो कारण को ढूंढना जरूरी है क्योंकि हो सकता है ये किसी और बीमारी का संकेत इससे आपको मिल जाए तो इसीलिए सचेत रहना बेहद ही जरूरी है बहरहाल इसी के साथ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का हम जल्द हाजिर होंगे बने रहे हमारे साथ बीमारियों से कैसे बचेगी फसल मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल कहा लाए बीज कितनी लगेगी खाद किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे मंडियों का हाल कमोडिटी की चाल किसके गिरे भाव किसने दिखाए ताव सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे और दस बजे डीडी किसान पर के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम अनीमिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं अगर आप भी एनिमिक हैं या अपने आसपास किसी को जानते हैं और सुझाव चाहते हैं आप तो फिर आप इस कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे बात करते हैं महाराष्ट्र से गीता सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गई है गीता जी स्वागत है आपका पूछिए अपना सवाल हेलो गीता जी टीवी का वॉल्यूम बंद रखे बातचीत नहीं हो पाएगी रुकावट आएगी आप हमसे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें हेलो मेरी आवाज मिल रही है जी आपकी आवाज जी पूछें अपना सवाल पूछें गीता Hello? जी हाँ अपना सवाल पूछें जी, पूछें? पूछें? जी आ, मेरी मैं गीता सिन्हा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ मेरी बेटी 11 साल की है जी। और उसे अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम आया था इस मंथ में तो उसका पीरियड काफी 20 से 22 दिन तक हो, हो रहा था और उसको फिर मैंने टेस्ट करवाया गायनोकोलॉजिस्ट से फिर हेमोग्लोबिन 8.5 हो गई थी तो कहीं इसके वजह से उसका एनेमिया का प्रॉब्लम तो नहीं होगा और ये पीरियड तरह से 20 बाईस दिन तक आने वाला कहीं कंटिन्यू तो नहीं रहेगा फ्यूचर में और इससे कोई और प्रॉब्लम हो सकता है क्या डॉक्टर प्रतिमा गीता जी आपकी समस्या बहुत जेनविन है और बहुत एक माँ के लिए बहुत चिंताजनक बात होती है परंतु जैसा कि आपने बताया कि अभी उसको शुरू हुआ है पहली बार पीरियड आया है तो हमने देखा है कि शुरू के दो साल तक लड़कियों को अनियमितता रह सकती है पीरियड में थोड़ा कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है परंतु अगर उसको इतना अनिमिया हो रहा है तो हमें उसका टेस्ट ज़रूर कराना पड़ेगा मैंने पहले भी बताया कि हमें खून के जमने के जो टेस्ट होते हैं कि खून ठीक तरीके से जम रहा है कि नहीं जल रहा है प्रोफाइल हम कहते हैं वो ज़रूर कराना है वो देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसको नॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से आयरन की गोली देते रहें अपने उसके खान पीने खाने पीने का का खाने ध्यान रखें और अपना जो रहे पीरियड के अंदर उसको सफाई का ध्यान रखना है वो सब उसको बताना है अगर उसको कोएगुलेशन की को, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं ये नॉर्मल होता है शुरू के कुछ महीनों तक ये नॉर्मल होता है जी डॉक्टर प्रतिमा हमें ये बताएं कि सरकार भी इस काफी ध्यान दे रही है की बीमारी के लिए और महिलाओं को अच्छा खान पान मिले और वो सजग हो जागरूक हो इसके लिए काफी कोशिशें कि जी हाँ सबसे पहले तो हम देखें देखिए हमारे जो किशोर लड़कियां किशोरिया है वो ही कल की माँ है भाभी सबसे पहले हमारा जो सरकार का कार्यक्रम है वो किशोरियों के लिए उसमें हम देते हैं हर लड़की को स्कूल में हो या कम्युनिटी सेंटर में हो वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है और कम महीने में चार गोलियां जरूर उनको दी जाती है जिससे कि एनीमिया हो ही नहीं।, नहीं फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेडीज तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जैसे ही आप पीरियड मिस करें जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दिखाइए अपने आप को रजिस्टर कराइए प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान आजकल हमने चालू किया हुआ हर महीने की नौ तारीख को आपके स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पतालों में गर्भवती महिला की जांच की जाएगी उसमें देखा जाएगा कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है सब महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक होना है हिमोग्लोबिन एसिड की गोलियां नियमित रूप से देनी है और उनको खानी है और अगर वो नहीं खा पाती हैं तो उनको हमें दिखाना है और हर महीने हर तीन महीने में एटलीस्ट एक बार हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में जरूर चेक होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं गीता जी हमारे साथ हैं हरियाणा से गीता जी स्वागत है आपका पूछे अपना चाह तो रही थीड है जी आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही है तीन साल से आप आ, क्या बता रही है, रही है मुझे। अच्छा रही है जिसके कारण मेरे चेहरे बहुत ज्यादा छाइया हो गई है अच्छा तो जैसे आयरन की भी गोली कैल्शियम की भी विटामिन की भी तो किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं लग रहा है मैं अच्छा। ये जानना चाह रही थी कि ये किस वजह से है मेरे को मेरे को पता नहीं लग रहा है मैम जी कोई सुझाव देना चाहेंगे जब थायराइड की बीमारी होती है तो जब हमारे जो शरीर में देखा कि अंडे दानी से अंडा ठीक से नहीं बनता है और उससे कुछ टाइम में मेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हमें चेकअप कराना पड़ेगा कि इनके बाकी माहवारी कैसे हो रही है किस तरीके से हो रही है और जो बाकी हॉर्मोन्स हैं उनमें कोई डिसबैलेंस तो नहीं है इम्बैलेंस तो नहीं है और फिर उसका इलाज किया जाएगा तो बेहतर है कि ये किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं जी डॉक्टर रेणु मैं चाहूंगी कि पुरुषों के लिए भी आप कुछ सुझाव दें क्योंकि को तो यह समस्या है बड़े पैमाने पर है लेकिन हम देख रहे हैं और आज कई भी हमारे साथ जुड़े हैं हम देख रहे हैं कि पुरुषों में भी ये समस्या आ रही है तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है पुरुषों में भी आयरन की कमी हो जाती है और हुँ. उनके उसके लिए उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका अपना हेल्थ कैसा है जी. साथ में जैसे मैंने बताया पेट में कीड़े हो सकते हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है और कभी कभी न्यूट्रिशन भी हो सकता है तो खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि अभी बताया हरे पत्ते की सब्जियां ये नट्स वगैरह बहुत यूजफुल हैं और गाँव में तो गुड़ बहुत होता है गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का जो कि सब लोग बच्चे बड़े सब लोग खा सकते हैं और गुड़ बहुत ही अच्छा आयरन का सोर्स होता है बहुत सस्ता बहुत अच्छा अब थोड़ा सा जो बात ट्रीटमेंट पे अगर हम आ जाएं इसमें तो बहुत लोग समझते हैं कि अगर उनको आयरन की कमी है और हम आयरन देंगे तो एक हफ्ते में उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं।, नहीं होता जब हम उनको आयरन देते हैं तो एक हफ्ते में बनना शुरू होता है हीमोग्लोबिन तो मान के चलिए कि कम से कम एक महीना अगर हम देखेंगे तो उनका हीमोग्लोबिन का लेवल एक इतना बढ़ेगा कि लगेगा उनको कि कुछ बड़ा है तो थोड़ा पेशेंस रखनी होती है और है। दो से तीन महीने में उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं दो से तीन महीने में छोड़ देते हैं जबकि छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद हमको स्टोर्स भी बिल्ड करने हैं। तो उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन आने के बाद दो महीने और तक जी, उनको आयरन खाते रहना चाहिए जिससे आगे तो उनको जिससे यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका सवाल पहले ले लेते हैं उत्तर प्रदेश से अंकित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित जी स्वागत है आपका पूछिए अपना सवाल अंकित जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जी हेलो जी हेलो अंकित जी पूछे अपना नमस्ते जी नमस्कार हेलो हमारा ये सवाल है कि हमारा हमारे वो नहीं हमारा हेल्थ नहीं बनता है जी अंकित जी अपना सवाल स्पष्ट तौर पर बताए आपकी बात नहीं स्पष्ट समझ में आ रही है हमारे हमारे हेल्थ नहीं बनता है और चेहरों में दाने निकलते हैं हाँ। खून की जांच कराइए खून की कमी से जुड़ा को, जुड़ी कोई समस्या है आपको है, समस्या है। जी ठीक है हमारा संपर्क टूट गया है डॉक्टर रेनू मैं पूछ लेना चाह रही हूँ कि मतलब सेहत नहीं बना यानी कि अगर वेट नहीं बढ़ रहा है तो हाँ। क्या वो अनेमिया से कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर वेट नहीं बढ़ रहा तो एक कॉज अनीमिया भी हो सकता है पर प्राइमरी अनिमिया नहीं उसके साथ लगी हुई बीमारियां हो सकती हैं माइल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है उसमें अनिमिया भी हो जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता क्योंकि कोई खाना पचता ही नहीं है हुँ। तो अनिमिया पर से से वेट इतना कम होता नहीं है और नहीं बढ़ने का कारण नहीं होता लेकिन उसके साथ जुड़ी बीमारियां जो होती हैं उनकी वजह से जरूर ये हो सकता है कि वेट ना बढ़े जी डॉक्टर प्रतिमा चलते चलते आपसे भी कुछ संदेश ले लेना चाहेंगे खासतौर पर महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि एनीमिया लगता साधारण है पर बहुत सी बीमारियों का जड़ है और इसकी वजह से हमें गर्भावस्था किशोरावस्था और इवन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को देखना फेस करना पड़ता है कम उम्र के बच्चे कम कम जल्दी बच्चा होना कमज़ोर बच्चा होना वो सब इनके कारण संभव होता है। तो गर्भावस्था गर्भा में गर्भावस्था के बाद इसका ध्यान रखना है कि महिलाएं अनिमी ना हो जी डॉक्टर प्रतिमा डॉक्टर रेणु आप लोगों ने समय निकाला इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उन्हें भी आपकी सलाह से बहुत लाभ होगा तो दोस्तों हमें आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहती है और प्रतीक्षा इसलिए कि हम और हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान हदम आपके साथ है तो आप हमें लिखें हमारे पते पर हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर सात दूसरी मंजिल केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन नई नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ और इसके अलावा आप हमें ई भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आई भी आप नोट कर ले स्वस्थ इसी के साथ आज बस इतना ही अब मुलाकात होगी अगले सप्ताह तब तक स्वस्थ रहें मंगल रहें नमस्कार